Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum Satyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center ke saath aaj aapko the rhyme of the ancient mariner part 7 ki explanation aur textual line ki depictions karne ja rahe hain. Aur isse pehle jo humne lines discuss ki hain un sab mein hame yahan tak maloom hua hai ki ancient mariner ko life in death ne warn kiya tha. और वो चूंकि ज़िंदगी की तरफ जा रहा है इसीलिए उसे किनारा और हार्बर नज़र आया और उस हार्बर से उसे ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हुई और उसी दौरान ये कुछ अपनी माजी की यादें देखता है कि यहाँ से ये चला था इसकी ओन कंट्री ही लग रही है ये अपने ही इलाके में पहुँच चुका है उसके आगे देखते हैं दिस हर्मिट गुड लिव्स इन दैट वुड ये जो हर्मिट है ये जो दरवेश है सूफ़ी है जो एक छोटी सी बोट में है और वो उन वुड्स में रहता है विच स्लोप डाउन टू द सी जो कि समुंदर के पास ही बहता है जो समुंदर के पास ही है जंगल उसमें ये हर्मिट रहता है अब ये जो हर्मिट है ये इस वजह से जंगल के पास रहता है क्योंकि कोई भी बोट आएगी वो बोट इस हर्मिट को बिठाती है और फिर वो शिप की तरफ दौड़ते हैं ताकि शिप में से उन्हें उनका कुछ रोज़गार मिले शिप में से आने वाले लोग अपना सामान इनके साथ रखें और ख़ुद बैठकर आएं और इनको रिज़क का सिलसिला चलता रहे ये लाइक कूली स्टाइल होता है जैसे कहीं से हैवी लोड लाने के लिए कोई पैसेंजर्स आते हैं तो कुली उनकी तरफ दौड़ते हैं इसी तरह से ये शिप वाले भी जाते हैं और इसी शिप में ये हर्मिट जो है ये जा रहा है एक पायलट और उसके बॉय के साथ हर्मिट की डिस्क्रिप्शन वो पेश कर रहा है कि वो करता क्या है वो जंगलों में रहता है और वो जंगल जो है वो दरियाओं के पास होते हैं हाउ लाउडली हिज स्वीट वॉइस हिज रेयर्स और कितनी उसकी मीठी आवाज़ है जो पीछे से आती रहती है जब शिप चलते हैं जब बोट्स चलते हैं तो वो उनके लिए दुआए खैर करता रहता है ही लव्स टू टॉक विद मैरिनर्स वो मैरिनर्स से बात करना बहुत पसंद करता है क्योंकि हर्मिट्स को अच्छा लगता है कि वो मैरिनर्स के साथ जो है गुफ्तगू तशनीद करे डैट कम जो आते हैं फ्रॉम अ फॉर कंट्री जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं यादें लेकर आते हैं मालूमात लेकर आते हैं और उनको वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हर्मिट पे सुनना पसंद करता है यह हर्मिट की डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा है ही नेल्स वो झुकता है एट मॉर्न एंड नून एंड ईव वो सुबह दोपहर शाम इबादत करता है ही हैथ अ कुशन प्लम अब उसके पास क्या है उसका एक तकिया है उसके जो है अब कुशन प्लम्स में ये पूरा स्टडी करके आपको बताते हैं ही हैथ अ कुशन प्लम इट इज़ मोस्ट एट होली हाइट्स द रूटेड ओल्ड ओक स्टंप अब ये कुशन प्लम्स करता है ये होल ओल्ड ओक्स जो होते हैं उनके साथ ये प्लम्प करता है ये टेक लगाता है और जब ये कुशन करता है टेक लगाता है तो प्लम्प वो गिर जाते हैं क्यों गिरते हैं इट इज़ मोस्ट क्योंकि उन्हें जड़ों से काई लग चुकी होती है डैट होली हाइड्स जो कि मुकम्मल तौर पर छुपी होती है द रोटेड ओल्ड ओक स्टम्प किसके साथ ओल्ड के बूढ़े तने के साथ जो कि गल सर चुका होता है उसके साथ ये छुपी होती है काई लेकिन जो ही ये हर्मिट उनके साथ टेक लगाते हैं तो वो स्टाम्प्स जो होते हैं तने होते हैं पुराने दरख्तों के वो नीचे गिर जाते हैं तो फिर ये जो है वो रास्ते बन जाते हैं उन पे बैठने के काम आते हैं या वो रास्ता रुक भी जाता है उससे जंगलों में ये बस यही कुछ चलता रहता है जहाँ पर यह हर्मिट रहता है हर्मिट भी जो का इंसानों से दूर रहता है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बहुत देर बाद देखता है इसीलिए जब कोई बोट आती है तो ये उसमें बैठता है और वो इसे बिठा भी लेते हैं कि चलो दुआए खैर करेगा हमारे साथ जाएगा हम वापसी पर इसको भी लेते आएंगे और मुसाफिरों का सामान वगैरह भी लेते आएंगे अब ये बोट कौन सी है द स्किफ बोट नियर एक छोटी सी कश्ती आई नज़दीक ही आई हेयर देम टॉक मैंने उन्हें ये बात करते हुए सुना व्हाई दिस इज़ स्ट्रेंज ये क्यों इतनी अजीब है आई ड्रॉ मैंने ख्याल किया वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर कहाँ पर हैं वो बहुत ज़्यादा रोशनियाँ जो बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रही थी डैट सिग्नल मेड बट नाउ अब ये वो सिग्नल है जो हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया था कि जब एंशियंट मैरिनर ने देखा था कि एक एक क्रू मेंबर की जो डेड बॉडी थी उसके पास एक एंजल था एक सिराफ था
जो वेव्स करता हुआ जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा हेवनली सीन था, लाइट्स थी, वही लाइट जो है ये दूर से किनारे पे बैठे हुए लोगों ने भी महसूस की। और वो कौन लोग थे? वो थे ये पायलट, पायलट का बेटा और हरमिट। अब ये चूँकि कश्ती के जो है जरिए, बोट के जो जरिए है, उस शिप के बहुत करीब आ रहे हैं, तो इन्हें नज़ारा चेंज लग रहा है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, उम्मीद थी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इसमें मुसाफिर होंगे, कोई हमारा सिलसिला रोज़गार चलेगा इनके ज़रिए। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वो लाइट्स जो थी अब नज़र नहीं आ रही हैं। स्ट्रेंज माई फेथ, द हर्मिट सेड। हर्मिट ने उन्हें कहा, मुझे भी अजीब ही लग रहा है कि वो रोशनियाँ दिखाई दे रही। एंड दे आंसर्ड नॉट आवर चीयर, और उन्होंने तो हमारे चीयर का भी कोई आंसर नहीं दिया जब इन्होंने उन्हें वेव्स किया वापसी में। वो भी इनकी खुशी का इजहार खुशी से करते, चीयर मीन खुशी। द प्लैंक्स लुक्ड रैप्ड, रैप्ड हुई हुई है क्या? ये जो उसके तख्ते थे, कश्ती चूँकि बहुत अरसा पानी में रही है, इलाका ठीक नहीं था, गर्माइश और जो है सर्द मौसम के जो है तासुरात उसने सहे हैं, तो उसके जो तख्ते हैं वो मुड़ गए हैं, क्योंकि इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत हालत में बाकी नहीं रहे हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि दूर से तो लग रहा था कि बड़ा अच्छा होएगा, कोई हमारा काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें महसूस हो रहा है कि इसके तो तख्ते ही मुड़े मुड़े हैं, ये तो रैप्ड हुए हुए हैं। एंड सी दोज सेल्स, हाउ थिम दे आर एंड सेल। अब ये जो सेल्स हैं उसके जो बादबान हैं वो भी कितने ज़्यादा थिन हैं और कितने ज़्यादा जो हैं वो खुश्क हैं। आई नेवर सॉ आर्ट लाइक टू दैम, मैंने उनके जैसा नहीं देखा। अब ये बयान कर रहा है कि मैंने उनके जैसी ऐसी कश्ती पहले कभी नहीं देखी, ऐसा बड़ी जहाज़ पहले कभी नहीं देखा। यानी स्ट्रेंज है ना, ये से जो है ना डबल आया है, तो अब हम इसी पे हैं। अनलेस पर चांस इट वार, बट शायद इतफाकी तौर पर ये बच गई है, वरना ऐसी जो है ना शिप बचने वाली नहीं थी, ये तो डूब डब जाती काफ़ी पहले ही समंदर में। ब्राउन स्केल्टन ऑफ लीव्स डैट लेक माई फॉरेस्ट ब्रूक अलोंग। अब ये उसको एक पर्सोनिफाई कर रहा है, उसको एक सिमली की तरह मैच कर रहा है कि ऐसे लग रहा है ब्राउन किस्म का ढांचा है किसी पत्ते का। अब पत्ते में से जब हम ग्रीनरी निकाल देंगे तो पत्ते की वो जो है ना वेन्स रह जाती हैं। अब ये वही बता रहा है कि वही वेन रह गई हैं जो लेग, लेग होता है वक्फा, जो कि एक फासले पर है। माई फॉरेस्ट ब्रूक अलोंग, जो कहता है कि मेरे फॉरेस्ट में, अभी तो ये किश्ती में बैठ चुका है ना उसकी छोटी बोट में, तो बता रहा है कि जो मेरा वो जो है ना जंगल का एरिया, वहाँ पर अगर कोई पत्ते का निकल जाए ना ड्राई वाला उसका होने की वजह से, तो पत्ते की भी ऐसे ही ढांचे लग रह जाते हैं जैसे ये महसूस हो रही है। व्हेन द एवी टोड इज हैवी विद स्नो, एवी टोड होते हैं, एवी एक ऐसा जो है वो बेल है, ऐसी बेल है जिसके पत्ते हमेशा सब्ज रहते हैं, लेकिन यहाँ वो बताना चाह रहा है कि वो भी अगर कभी जो है झड़ जाए उसके अंदर से पत्ता, तो उसकी भी जो है किसकी वजह से झड़े, हैवी स्नो की वजह से अगर वो झड़ जाता है तो उसका भी स्केल्टन फील होने लगता है। अब दूसरा ये एक वो एग्जांपल दे रहा है, एंड द आउलेट ओप्स। अब ये जो आउलेट है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उसके, उल्लू के, जब वो बोलते हैं टू द वोल्फ बिलो, जब वो देखते हैं नीचे वोल्फ्स को, भेड़ियों को, डैट ईट्स द शी वुल्फ्स यंग, जो कि शी वुल्फ्स यंग जो कि अपने ही छोटे बच्चों को खाते हैं, ऐसा उन्हें खौफनाक मंजर किस्म, खौफनाक किस्म का मंजर पेश कर रहा है कि ये कश्ती दूर से ऐसी लग रही है कि जैसे कोई जो है अजीब सी जो है मंजर दे रही है, और वो बयान नहीं कर पा रहे इन्हें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे डरावना सा मंजर है, कोई भेड़िया अपने ही बच्चों को खा रहा है, और जो है वो आउलेट जो है वो वुप्स उसका साउंड है, कैसे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर पत्ते हैं तो वो अपनी खूबसूरती खो बैठे हैं, इस तरह से ये इन्हें महसूस हो रहा है। डियर लॉर्ड इट हैड अ फ्रेंडिश लुक, ओह कहते हैं ए खुदाया कितनी शैतानी शक्ल है इसकी। द पायलट मेड रिप्लाई, अब पायलट ने भी जवाब दिया, आई एम अफ्रेड, मुझे तो डर लग रहा है। पुश ऑन, पुश ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर द हरमिट, श्योरली। हरमिट ने खुशी से कहा आगे जाएं, आगे जाएं, लेकिन पायलट कह रहा है आई एम अफ्रेड, मुझे तो डर लग रहा है। द बोट केम क्लोज टू द शिप, अब जो बोट थी वो करीब आ गई उस शिप के, बट आई नॉर स्पैक नॉर स्टर्ड, लेकिन ना तो मैं बोला
اور نہ ہی ہلا جلا، کیونکہ کمزور تھا نا، یہ انشنٹ میرینر بتا رہا ہے. دا بوٹ کیم کلوز بینیتھ دا شپ، اب جو بوٹ تھی وہ شپ کے بہت زیادہ قریب آ گئی. اینڈ اسٹریٹ اے ساؤنڈ واز ہیئر، اور جلد ہی ایک ساؤنڈ بھی سنائی دیا. اب یہ بھی ڈبل پیراگراف ہمارا جو ہے وہ سٹنسا آیا ہے، تو اب ہم اس کے نیچے چل رہے ہیں. اسے ایک آواز سنائی دی، انڈر دا واٹر، پانی کے اندر، اٹ رمبلڈ آن. اب پانی کے اندر اس کو آواز سنائی دے رہی ہے جو کہ کسی قسم کی گڑگڑاہٹ کی آواز ہے، جیسے پانی میں کوئی چیز گرتی ہے تو گڑگڑاہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے. اسٹل لاؤڈر اینڈ مور ڈریڈ، بہت زیادہ آواز اونچی تھی اور بہت زیادہ خوفناک تھی. اٹ ریچڈ دا شپ، وہ شپ تک پہنچی. اٹ اسپلٹ دا بے، اب اس نے وہ جو اسپلٹ ہوتا ہے تقسیم کر دینا، دا بے پانی کو تقسیم کر دیا. جب وہ آواز آئی تو اس نے اس پانی کو تقسیم کر دیا. دا شپ وینٹ ڈاؤن لائک لیڈ، اب جو شپ تھی نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نیچے کو چلی گئی ہے، کیسے؟ سرسراہٹ کے ساتھ، لائک لیڈ، ایک تنکے کے ساتھ، ایک تنکا نما شپ بنی ہوئی تھی. اب چونکہ یہ وہ منظر پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ شپ ایک دم سے سینک ہو گئی ہے، جب یہ وہ مارنر کو نکالتے ہیں تو شپ کا جو حصہ تھا وہ تقریباً ایک قسم کا وہ نام نہاد ہی بچا ہوا تھا، تو اس کے گرنے کے مناظر اب یہ پیش کرنے والا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شپ وینٹ ڈاؤن لائک لیڈ، کہ شپ تو ایسے نیچے چلی گئی جیسے کہ کوئی تنکا ہوتا ہے. Stunned by that loud and dreadful sound, اب خوفزدہ رہ گئے سب کے سب. Stunned ہو گیا، ایک دم سے وہ دنگ رہ گئے. کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، اس اونچی آواز کے ساتھ، اس خوفزدہ آواز کے ساتھ. Which sky and ocean smote، اب جس نے کیا کیا تھا، اس آواز نے زمین اور آسمان، یہ سمندر اور آسمان تک جو تھا نا، ایک تہلکا مچا دیا تھا. لائک ون، جیسے کسی کی طرح. دیٹ ہیڈ بن سیون ڈیز ڈراؤن، جیسے کسی کی طرح یہ سات دن سے جو تھا نا وہ اس میں تھا، بہہ رہا تھا، لیکن اب اسے ایسے لگا کہ جیسے سیون ڈیز ڈراؤن، کہ ساتوں کے ساتوں دن جو ہیں وہ بھی ڈوب گئے ہیں. مائی باڈی لے الافٹ، میری جو تھی نا باڈی، بس وہی اوپر تیرتی رہ گئی. اب یہ سات دن تو اس بوٹ میں رہا تھا نا، اب اس کے ساتوں دن یعنی اس کی ساری یادیں اس میں ڈوب گئیں، ہر چیز وہ سینک ہو گئی ہے اس بحری جہاز میں. اس کی باڈی جو ہے نا وہ لے فلیٹ ہوئی ہے، اوپر رہ گئی ہے. بٹ سوئفٹ ایز ڈریم، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی تیزی سے خواب آیا ہو. مائی سیلف آئی فاؤنڈ، میں نے اپنے آپ کو پایا، ود ان دا پائلٹس بوٹ، پائلٹ کی بوٹ میں، یعنی ساری کے سارا جو بحری جہاز ہے وہ ڈوب گیا ہے، وہ پانی میں غرق ہو گیا ہے، اور کون بچا ہے؟ صرف اور صرف یہ بچا ہے، کیونکہ اس کی باڈی ڈوبی نہیں، اس کو لائف ان ڈیتھ نے وارن کیا تھا، تو اس کو موت نہیں آنی تھی، اس وجہ سے اس کی باڈی اوپر رہ گئی اور اس نے اپنے آپ کو پایا پائلٹ کی چھوٹی کشتی میں. اپون دا ورل، اب بھنور کے اوپر، ویئر سینک دا شپ، جہاں پر کشتی ڈوبی تھی. دا بوٹ سپن راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، اب یہ جو کشتی تھی نا سپن ہونا شروع ہو گئی، اس نے گھومنا شروع کر دیا، کیونکہ پانی کا وہ ایک قسم کا وہ بھنور بن گیا، تو کشتی نے گول گول چکر لگا لیے، گلائی میں کشتی گھومنے لگی. اینڈ آل واز اسٹل سیف دیٹ دا ہل واز ٹیلنگ آف دا ساؤنڈ، اب آل واز سیف، سارے کے سارے محفوظ تھے، جسے جو ہل تھی واز ٹیلنگ دا ساؤنڈ، ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑی تک آواز جا رہی ہے، لیکن پھر بھی سب کے سب بچ گئے. آئی مووڈ مائی لپس، میں نے اپنے لپس ہلائے، یہ چونکہ کشتی میں آیا، اس نے ہوش قائم کیا، دیکھا ساری کی ساری کشتی گھومنے لگی ہے، تو اس کی جو ہے ہوش قائم ہوئی ہے اور اس نے اپنے لپس ہلائے ہیں. دا پائلٹ شریکڈ، جو ہی یہ بولا پائلٹ تو ایسے چلایا، چیخ ماری. اینڈ فیل ڈاؤن ان اے فٹ، اور اسے غشی تاری ہو گئی، اس کو ایک قسم کا دورہ پڑ گیا، حیرت کا، خوف کا، پریشانی کا، اور وہ بے ہوش ہو گیا. دا ہولی ہیلمٹ ریزڈ ہز آئز، اب جو ہولی ہیلمٹ تھا اس نے بھی اپنی آنکھیں اٹھائیں، اس مقدس صوفی نے اپنی آنکھیں اٹھائیں. اینڈ پرائڈ ویئر ہی ڈڈ سٹ، اور وہیں دعا کرنی شروع کر دی جہاں پر وہ بیٹھا تھا. اب یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رائٹر نے ہم نے کس طرح کی وہ جو ہے نا سجیسٹو سٹینزاز دیا ہے، کہ اس کا پورا فیچر بتا دیا.
मैरिनर की पूरी एक डिस्क्रिप्शन हमारे सामने पेश कर दी कि इस कदर खौफनाक लग रहा है कि पायलट भी चीख उठा, और यहाँ तक कि हरमेंट ने सिर्फ आंखें उठाई हैं, मूव नहीं किया उसने भी अपनी जगह से, और वहीं बैठ के उसने दुआएं करनी शुरू कर दी। एंड प्रेयर वेयर ही डिड सिट, वहीं से दुआएं मांगने लग गया कि ये आ कौन गया है, ये है कौन जो बच गया था तो हमने इसे डाला, तो अब ये इतना खौफनाक, इतना खौफजदा सूरत वाला। आई टुक द ओर्स, अब इसने चप्पू उठा लिए। द पायलट बॉयज, द पायलट्स बॉय हु नाउ डॉट्स क्रेजी गो, अब ये जो पायलट्स का जो लड़का था उसने एकदम से अपना दिमागी तवाज़न खो दिया, क्योंकि बाप उसका बेहोश हो गया, देख रहा है कि ये जो है खौफनाक किस्म का शख्स है वो चप्पू चला रहा है। लफ्ड लाउड एंड लॉन्ग, वो लंबे लंबे कह कह लगाने लगा, ऊंची ऊंची हंसने लगा। एंड ऑल द वॉयल, और इसी दौरान हिज आइज वेंट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे दौड़ना, आंखें घुमाना, आंखें आगे पीछे होना। अब इसी दौरान उसकी आंखें आगे पीछे हो रही हैं और वो एक किस्म का खौफ से पागल हो गया है। हा 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 हंसता है, कॉट ही कहता है, फुल प्लेन आई सी, मैं साफ साफ देख सकता हूँ, द डाइवल नोज हाउ टू रो, एक शैतान भी जानता है कैसे कश्ती चलाते हैं। अब ये उसकी लुक को बयान करने के लिए ये टू उसने इंसिडेंट दिए, एक तो पायलट गश्शी खा के गिर पड़ा, दूसरा बेटा जो है वो पागलों की तरह कह कहे लगाने लगा और कहने लगा कि शैतानों को भी आती है कश्ती चलानी। एंड नाउ, और अब ऑल इन माई ऑन कंट्री, और अब हम सब मेरे वतन में थे। आ स्टूड ऑन द फर्म लैंड, अब ये मजबूत ज़मीन पर आया, कश्ती से, बहरी जहाज से कश्ती में आया, कश्ती से उतर के ज़मीन पर आ गया। द हर्मट स्टेप्ड फोर्थ फ्रॉम द बोट, अब हर्मट स्टेप्ड फोर्थ हुआ है, बाहर निकला है उस छोटी कश्ती से। एंड स्केयर्सली ही कुड स्टैंड, और वो भी चूंकि खौफ से जो है बमुश्किल ही खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि वो भी खौफजदा था कि ये कौन शख्स है, इंसान तो था ना हरमिट भी। ओ शिव मी होली मैन, अब ये चिल्लाया है ओ शिव मी, इसके मफहूम है कि जनाब अपना कन्फेशन करना किसी पादरी के सामने, किसी ऐसे मुकद्दस शख्स के सामने अपने गुनाह का इतराफ कर लेना कि जो उसे बचा ले। सिंपल वर्ड्स में कह रहा है कि मुझे बचा लो ए मुकद्दस शख्स। द हरमिट क्रॉस्ड हिज बो, अब हरमिट ने फटाफट वो क्रॉस का निशान बनाया, जैसे वो क्रिश्चियंस का क्रॉस बो का साइन होता है, वो ब्रो किया इसने। से क्विक खौथ ही, जल्दी बोलो, उसने कहा। आई बेट दा से, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ बोलो। वट मैनर ऑफ मैन आर दो, तुम किस किस्म के शख्स हो, किस किस्म के तुम इंसान हो, बताओ मुझे। अब हरमंट ने उसको कहा, चूँकि होली शख्स था तो उसने भी अपनी जो है फर्म लहजे में उससे बात की है। फोर्थ विद हिज फ्रेम ऑफ माइंड वाज रिच्ड विद अ वोफुल अग्नि, अब ये बता रहा है कि मेरा जो अपना फ्रेम है, मेरा जो अपना आप है, जो मेरी अपनी बॉडी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें अज़ियतें हैं। अग्नि क्या होती है, अज़ियतें होती हैं, अज़ियत में मुबतला होना है। फोर्थ विद विद दिस फ्रेम विद माइंड, अब ये फौरन से वो बोला, फोर्थ विद फौरन से अपने आप को उसने इशारा किया और बोला कि रेस्ट होता है तकलीफ, किसी किस्म की भी जो है ना आपको मोच आ जाए, जो आपको परेशानी दे, वो आपकी रेस्ट कहलाती है। अब इसको परेशानी क्या दे रही है, इसकी वो फुल अग्नि, उसकी मुसीबत ज़दा अज़ियतें उसको तकलीफ़ दे रही हैं। विच फोर्स्ड मी टू बिगेन माई टेल, अब उन्होंने क्या किया, इसको मजबूर किया कि अपने अपना किस्सा शुरू करे। एंड देन इट लेफ्ट मी फ्री, और तब वो अग्नि, वो अज़ियत इसे छोड़ेगी, अगर ये अपना किस्सा दूसरे को सुनाएगा तो तब ये अपनी अज़ियत से निजात पाएगा। सिंस देन, तब से, एट एन अनसर्टन, और किसी भी गैर मुअय्यन वक़्त में, डैट इग्नि टर्न्स, वो अज़ियत फिर वापस आती है। एंड टिल माई गैस्टली टेल इज टोल्ड, और मुझे वो अपनी गैस्टली टेल, अपनी वो सख्त कहानी, अपनी वो जो है सख्त अज़ियत वाली कहानी, उतनी मुश्किल कहानी, गैस्टली सख्ती से जो है ना इसको सुनानी ही पड़ती है।
कहनी ही पड़ती है किसी ना किसी से. दिस हर्ट विद इन माई बॉन्स, और वो अंदर से मेरे दिल को जलाती है. इसका इकरार ये जुर्म इसको सुकून देता है, और अगर ये नहीं इकरार करता, नहीं बताता, तो फिर वो इसका दिल अंदर से जलता है. आई पास लाइक नाइट्स, अब ये गुजरता है रातों से. फ्रॉम लैंड टू रैम, कई दिन रात सफ़र करता है मुख्तलिफ इलाकों के. आई हैव स्ट्रेंज पावर ऑफ स्पीच, और इसमें बोलने की भी बड़ी ज़बरदस्त कुव्वत है. डैट मोमेंट डैट हिज फेस आई सी, उस लम्हे जब उसका चेहरा मैं देखता हूँ. आई नो द मैन डैट मस्ट हियर मी, तो मैं जानता हूँ कि कौन सा शख्स मुझे ज़रूर सुनता है. टू हिम माई टेल आई टीच, तो उसे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ. याद है इन द बिगनिंग में जब ये वेडिंग गेस्ट जा रहा था, तो इसने एंशिएंट मैरिनर ने उसे रोका था, और वो रुकने को तैयार नहीं था कि लेट मी गो फॉर द मैरी सेरेमनी मैरी फंक्शन, आई वॉन्ट टू अटेंड इट. लेकिन इसकी ग्लिटरिंग आइज़ में वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, और उसने इसकी पूरी टेल सुन ली. अब ये उसको कहानी टीच करने का बता रहा था, कि उसको एक मॉरल लेसन देना है ना इसने इसमें. अब ये जो हमारा पैराग्राफ है, स्टेंसा है, उसमें आगे बता रहा है, व्हाट लाउड अप्रोर ब्रस्ट फ्रॉम डैट डोर, अब कितनी ऊंची आवाज़ें निकल रही हैं उस दरवाजे से. कौन सा दरवाज़ा? द वेडिंग गेस्ट आर देयर, जहाँ पर वेडिंग गेस्ट थे वहाँ से बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, म्यूज़िक की, कह कहों की, खुशियों की. बट इन द गार्डन बावर द ब्राइड, लेकिन अब ये जो आवाज़ें थी, ये जो हंगामा था, अप्रोर हंगामे में भी आ गया, ये जो हंगामा अंदर भरपा था. अब ये उस एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी सुनने के बाद उस वेडिंग गेस्ट के लिए किसी किस्म की कशिश का बायस नहीं था. अब उस वेडिंग गेस्ट को इस हंगामे में किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं रहा था जो अंदर ब्रोस्ट भरपा था. अब वहाँ वो बताना चाह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहमान भी थे, ब्राइड भी थी, दुल्हन भी थी, यानी अभी तक फंक्शन जारी था. फंक्शन जारी रहने के दौरान ही उसने अपनी कहानी उसे सुना दी है, और अपनी कहानी ख़त्म भी कर दी है, और उसको मौका दिया है कि वो जाए और फंक्शन अब बाकी का अटेंड कर ले, क्योंकि उसकी कहानी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है. बट इन द गार्डन ब्रॉड द ब्राइड एंड द ब्राइड मेड्स सिंगिंग और, लेकिन वहाँ पर दुल्हन और जो दुल्हन के साथ दो शीज़ाएँ थीं, मेड्स थीं, गाने गा रही थीं. एंड हार्क द लिटिल विस्पर बर्ब, और ये जो सुनाई दे रही थी उसे शाम की बेल्स, शाम की जो है, जो उनके बेल होती हैं, उनकी जो घंटियाँ होती हैं, वो सुनाई दे रही थी. हार्क मीनिंग सुनना. विच हिडन मी टू प्रेयर विच बिडथ मी, लेकिन अब उसको उसने बिडथ कर दिया था, उसको उसका पाबंद कर दिया था कि वो अब दुआएं मांगे, वो इन गानों से, इन हंगामों से दूर रहे और प्रे करे. ओ वेडिंग गेस्ट दिस सोल हैड बीन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, ओ शादी के मेहमान, ये रूह तो वहाँ पर बहुत अकेली रही इतने बड़े और बहुत बड़े समंदर में. सो लोनली, बहुत तनहा थी. इट वॉज डैट गॉड हिमसेल्फ स्केयर्स सीम्ड देयर टू बी, ऐसे लग रहा था कि गॉड ने खुद आकर उसको सेफ किया है, और या खुद उसके अंदर उसकी रूह में उतर कर उसको बचाया है, उसको वहाँ से निकाला है. ओ स्वीटर देन द मैरिज फीस्ट, अब कह रहा है कि ये कितनी अच्छी है उस मैरिज के फीस्ट से भी, उस मैरिज की दावत से भी. फीस्ट मीन दावत. इट्स स्वीट फॉर टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर कुन है, सहरंगेज है. टू वॉक टू गैदर टू द क्रिक, कि अब वो वॉक करें, वो इकट्ठे जाएं चर्च की तरफ विद द गोडली कंपनी, एक अच्छी सोबत की तरफ जाएं, इन हंगामों से पीछे हटें और चर्च की तरफ बढ़ें, और वहाँ पर उन्हें एक अच्छी कंपनी मिलेगी. टू वॉक टू गैदर टू द क्रिक्स, चर्च की तरफ पर जाएंगे. And all together pray, और सबके सब मिलकर दुआ करेंगे. While each to his great father's band, और हर एक झुकेगा उनके अजीम फादर के सामने, जो इनका अपना अकीदा है.
क्राइस्ट के जो है उसके सामने ये झुकने की बात कर रहा है. ओल्ड मैन एंड बेब्स एंड लविंग फ्रेंड्स, बच्चे बूढ़े हमारे प्यारे दोस्त, एंड यूथ एंड मेडन्स के, और जो है नौजवान दोशीज़ाएँ और जो है जवान, वो सब झुकेंगे, वहाँ जाएंगे, इबादत करेंगे. फेयरवेल फेयरवेल, बट दिस आई टेल, अलविदा अलविदा, बट ये मैं बताता हूँ, टू दी तुम्हें, दो वेडिंग गेस्ट, ए वेडिंग गेस्ट, ही प्रेथ वेल, वही अच्छी इबादत कर सकता है, हु लव्ड वेल, जो अच्छा प्यार कर सकता है, बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस, चाहे वो आदमी हो, चाहे परिंदा हो, चाहे वो दरिंदा हो. अब पूरी इस जो है पार्ट का, और ऑल सेवन्थ पार्ट का ये मकसद था कि अगर आप, जिसे कहते हैं कि अच्छी ट्रीट देंगे किसी को, अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे किसी के साथ, मोहब्बत वाला दिल रखेंगे, तो ही आप दुआ कर सकते हैं. यानी अगर आप रहम इंसानों पे करेंगे तो ऊपर वाला आप पर रहम करेगा, ये मॉरल बताना चाह रहा है. चूँकि इसने उस अल्बेट्रॉस पर रहम नहीं किया था, बग़ैर किसी वजह के उसको शूट किया था, जिसकी इसने इतनी सज़ा भुगती, उसके बाद जब इसने स्नेक्स को प्रेस किया, तो स्नेक्स की प्रेस की वजह से इसकी प्रे कबूल हुई, और उस उनकी तारीफ़ करने की वजह से इसने निजात हासिल की. वही बताना चाह रहा है कि अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं, और हम उसी सूरत में दुआ कर सकते हैं जब हम अच्छे प्यार करने वाले हैं, अच्छा एहसास करने वाले हैं. अगर हमारे अंदर एहसास नहीं, तो हमारी दुआएँ भी बेकार हैं. ही प्रेस्ड बेस्ट, वही अच्छी दुआ कर सकता है, हु लव्ड बेस्ट, जो अच्छा और बेहतरीन प्यार करने वाला है. ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस, उसी की हैं, उसी खुदा की हैं जो हम सबसे प्यार करता है. और जैसे हम जानते हैं कि खुदा हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, और हमारी शाहरख से ज़्यादा नज़दीक है, वही बताना चाह रहा है कि जो है प्यार करने वाला है, इज्जत करने वाला है, वही अच्छी प्रे करने वाला है, और उसी को अल्लाह पसंद करने वाला है. ही मेड एंड लव्ड ऑल, जिसने इन सब को बनाया है और उन सब से प्यार करता है. द मैरिनर हूज आइज इज़ ब्राइट, वो बूढ़ा माला जिसकी आंखें बड़ी रोशन थी, हूज ब्रेड विद एज इज़ हॉर, जिसकी दाढ़ी उम्र के साथ सफ़ेद हो चुकी थी और सफ़ेदी आ गई थी उसमें, इस गॉन, जा चुका है. एंड नाउ द वेडिंग गेस्ट, और अब जो वेडिंग गेस्ट है, टर्न्ड फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम्स डोर, वो मुड़ गया कहाँ से, उस दुल्हा दुल्हन के दरवाजे से, यानी उस शादी वाले गेट से वो मुड़ गया, उसने उल्टे पांव ले लिए वहाँ से, अंदर नहीं गया है. ही वेंट लाइक वन, वो किसी ऐसे शख्स की तरह वहाँ से गया, लाइक हैथ बीन स्टंट, जो कि बिल्कुल महरूम हो चुका था, खौफजदा हो चुका था, दंग रह चुका था, एंड इज़ ऑफ सेंस फॉर लोन, और अब उसकी जो सेंस फॉर लोन थी, उसकी जो बेबसी, बेकसी, ना उम्मीदी और तन्हाई की जो हिस थी, अ सैडर, जो कि अफसोस थी, अ सैडर थी, अफसरदा थी, गमजदा थी, उसकी जो बेबसी की, नाउम्मीदी की जो हिस थी, कि भाई मैं अंदर नहीं गया, मैंने शादी अटेंड नहीं की, मुझे तो शादी अटेंड करनी थी, और उसके बाद भी उसके अंदर जिस जिस किस्म की जो थी ख्वाहिशात थी, वो एक किस्म की फिनिश हो गई. एंड अ वाइजर मैन, और वो क्या बन गया, अ वाइजर मैन, ही रोज द मारो मॉर्न, अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग द मारो, अगली सुबह जब वो उठा, तो उसके अंदर जो थी मज़ीद पुख्तगी थी, मज़ीद अक्लमंदी थी, मज़ीद समझदारी थी, और अब वो उसमें बचकानापन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसने एक मॉरल लेसन सीख लिया था जो एंशिएंट मैरिनर ने उसे सिखाया था. और साथियों, आपने हमारी ये 7 वीडियोस जो हैं, इनको लाइक किया, इनको अप्रिशिएट किया, थैंक्स अ लॉट, और सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड विल ब्रिंग more interesting literature lessons for you, inshallah. Allah Hafiz.